हाय हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैंने सुबह जब मैं बाथरूम में गया था तो उस टाइम मेरे पास फोन था, तो फोन में मैंने चेक किया, एक बंदे ने कमेंट किया था कि भाई एक आप एलपीआर के ऊपर एक अच्छी सी टॉपिक पे वीडियो बनाओ। भाई मेरे, मैं एलपीआर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए काफी दिन से सोच रहा था, बट मसला मेरे पास ये आ रहा था, कम से कम मैं एलपीआर को जो मैंने घड़ी बनाया हूँ उसको चेक का जो तरीका है कम से कम 10 गाड़ी में चेक कर लूँ। जब 10 गाड़ी में परफेक्ट काम करे तब वो चीज़ आपके सामने दोस्तों मैं प्रेजेंट करूँ। तो फाइनली मैंने 10 गाड़ी में उसको चेक कर चुका हूँ। काफ़ी गाड़ी के जो प्रेशर थे परफेक्ट थे, पर काफ़ी गाड़ी के प्रेशर परफेक्ट नहीं थे। बट दोस्तों अब मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग पेट्रोल का भी प्रेशर चेक कर सकते हो और एलपीआर का भी प्रेशर दोस्तों चेक कर सकते हो, और कितना रहना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जो हमारा डीलर टूल होता है ना वो काफ़ी सस्ता होता है, उसके अंदर क्या होता है ना एलपीआर चेक करने का ऑप्शन है ही नहीं। बट क्या होता है, उनके पास क्या है, बॉस का टूल है, तो बॉस के टूल में वो सारे ऑप्शन है। बट जो हमारा जो नॉर्मल मशीन होती है या नॉर्मल जो डीलर टूल होता है दोस्तों, उसके अंदर ये चीज़ बिल्कुल है नहीं, वो ऑप्शन है ही नहीं। तो इसलिए दोस्तों मैंने जुगाड़ बनाया हूँ किस तरह दोस्तों अपन एलपीआर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये जो चीज़ है गैस का प्रेशर चेक का जो तरीका है दोस्तों, ये 20 साल पहले भी दोस्तों मैं करता था, 15 साल भी दोस्तों मैं करता था। बट दोस्तों गाड़ी कौन सी थी, ओल्ड वाली थी, वो घड़ी दूसरी थी। बट एक लेटेस्ट में नई घड़ी आई दोस्तों, मैं उस पर दिखाऊंगा, बड़ा ईजी तरीका है एलपीआर का दोस्तों प्रेशर चेक करना। तो चलते दोस्तों मैं आपको चेक कराता हूँ दोस्तों बिना देरी करे। और मैंने बोला भी था कि भाई जल्दी ना मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से आपको ना बड़े आसानी से ना एलपीआर का प्रेशर चेक कर सकते हैं ज़्यादा है कम है। कई बार क्या होता है ना, कुछ मैकेनिक लोग उसकी गैस की सेटिंग समझते हो छेड़ देते हैं और आगे चल के ना गाड़ी दिक्कत देती है। अभी जिस गाड़ी में भाई मैं बैठा हो ना, ये गाड़ी के अंदर यही फोल्ड है, पेट्रोल पे गाड़ी भाई चालू हो रही है, बट सीएनजी में ना जल्दी चालू होती नहीं, बड़ा लंबा स्टेप लेके गाड़ी स्टार्ट होती है। बट इस गाड़ी में जब प्लग नया डालेंगे ना तो गाड़ी ये स्टार्ट होने लग जाती है और कुछ हफ्ता चलेगी और फिर गाड़ी का प्लग चेंज करना पड़ता है। तो गाड़ी वाले भाई थे वो कहते कि गाड़ी का प्लग उड़ जाता, तो मैंने कहा भाई प्लग उड़ता उड़ता तो नहीं है। गाड़ी को मैंने चेक किया, गाड़ी में सेल्फ का काम था, मैंने पहले सेल्फ का काम करो फिर देखते क्या करना, क्योंकि बहुत स्लो रुक रुक के ले रही थी और पेट्रोल पे गाड़ी जल्दी स्टार्ट होती है, सीएनजी पे गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो गाड़ी का सेल्फ का तो काम कर दिए, अब गाड़ी सेल्फ फटाफट ले रही है, पेट्रोल में गाड़ी स्टार्ट हो रही है, सीएनजी में गाड़ी जल्दी चालू नहीं हो रही है। तो जैसे ही मैंने गाड़ी का इंजेक्टर में दिखा था आपको, अब जैसे ही दोस्तों मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ और थोड़ा पीछे करता हूँ ना तो गाड़ी चालू होती है। तो मुझे क्या लगा भाई ये गाड़ी का इंजेक्टर खराब है इसलिए सुबह स्टार्ट होती नहीं है, बट गाड़ी गर्म चालू होने लग जाती है। तो मैंने भाई को बोला तख्ता तुम्हारा ये खराब है, बट इसकी रेटिंग है ना 2.3 दिखा रही है तो चलेगा, तो इसमें मैं W40 मार के देखता हूँ। तो भाई बोले नहीं यार, इस गाड़ी का मैंने क्या करा, दूसरे गाड़ी का इंजेक्टर लगे चेक करा, यही फोल्ड है। तो मैंने सोचा लाओ गाड़ी का जब प्रेशर चेक करूँ प्रेशर कितना आ रहा है। तो जब मैं दोस्तों गाड़ी प्रेशर चेक किया तो प्रेशर काफी ज्यादा आ रहा है, मैं आपको दिखा दूँ कितना प्रेशर आ रहा है। और इसमें प्रेशर कितना रहना चाहिए मालूम है दोस्तों, जो आपको दिख रहा है 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे जो बारीक बारीक लाइन दिख रही है ये तीसरे लाइन तक दोस्तों प्रेशर रहना चाहिए, बट इसका प्रेशर काफी ज्यादा है, मैं अभी आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। अभी आप देख रहे हो दोस्तों मैंने इसमें पाइप लगा दिया हूँ, दिख रहा आपको, इस तरह पाइप लगा लेना है और इस तरह घड़ी रखना है, ओके, और एकदम टाइट पकड़ना है और फिर देखना है प्रेशर कितना बता रहा है। भाई गाड़ी की चाबी ऑन करो भाई जरा, अब आपको दिख रहा है ये लगभग 3 तक दोस्तों दिखा रहा है। अब अपने को दोस्तों इसका प्रेशर ना कम करना पड़ेगा, प्रेशर कम करने के लिए जो एलपीआर का जो लगा है नीचे स्क्रू होता है उसको ना 2-3 आटा खोलना पड़ता है। भाई जरा 2-3 आटा खोलो, जरा नीचे से जरा खोलो, बाहर खोलना है टाइट नहीं करना है। इसका इतना ज्यादा प्रेशर दिखा रहा है और जो एलपीआर का स्क्रू है वो पूरा फुल टाइट है। तो अभी क्या करेंगे, एलपीआर को बाहर लेंगे, उसको फ्री करके देखेंगे, ओके। तो सबसे पहले मैं एलपीआर खोल के आपको दिखाता हूँ। मैं आप देख सकते हो इसे हमने खोल लिए हैं, अब खोलने के बाद इसमें W40 मार के हमने इसको दोस्तों बाकायदा फ्री कर लिए हैं। अब ये फ्री हो चुका है, चल के गाड़ी में लगाते हैं और आपको दिखाते हैं सेट करके। अब आप देखोगे ना इसका जो प्रेशर है ये थोड़ा हद तक आगे पीछे हो गया है, बट अभी हम आपको क्या करेंगे बाकायदा दिखाएंगे किस तरह स्क्रू खोलने पे दोस्तों इसका जो प्रेशर है ये प्रॉपर लाइन पे आएगा। अब एक बार घड़ी को देखिए, उसके बाद आप देखना मैं गैस की सेटिंग से इसको हिला के कम करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं घुमा रहा दोस्तों। ये देखिए इसको जब दोस्तों मैं खोलूँगा ना, यानी कि जब स्क्रू खोल के बाहर करूँगा ना तो प्रेशर इसका दोस्तों क्या होगा वो कम होगा, और जब मैं इसको टाइट करूँगा ना, टाइट होने पे क्या होती है अंदर की थोड़ी पिन दबती है दोस्तों, प्रेशर बढ़ जाता है। आप देखोगे ना ध्यान से, देखो प्रेशर कितना खोला, झटके दोस्तों आगे चले गया,
इस तरह दोस्तों हमको इसको ना प्रॉपर खोल फिटिंग करके मतलब टाइट करना है, खोलना अपने हिसाब से इसको प्रॉपर जो टू लिखा रहेगा उसकी जो वन वन लाइन रहेगी दोस्तों अपने वहाँ पे लाना है, तभी अपनी गाड़ी दोस्तों परफेक्ट होगी। ओके दोस्तों, अब फिर से दोस्तों इसको जैसे मैंने इसको खोला ना, ये फिर से कांटा दोस्तों ऊपर चला गया है, तो अपने को क्या करना है, गाड़ी की ना चाबी एक बार चालू करना है, उसको चेक करना है, फिर टाइट करना है, फिर उसको पाइप निकालना है, फिर लगाना है, फिर खोलना है। इसी तरह दोस्तों अपने को काफ़ी बार करना है, उसके बाद ही ये परफेक्ट आके दोस्तों रुकेगा, और जब ये प्रॉपर रुक जाएगा तब अपने को फिट कर देना है, तभी अपनी गाड़ी दोस्तों मस्त काम करेगी। और आगे चल के दोस्तों ना मैं आपको एक दूसरी गाड़ी का भी, ऑटो का भी दिखाऊंगा प्रेशर कितना रहता है। अगर ये 2 पॉइंट से बारीक बारीक लाइन तक आगे रहेगा तो समझ जाना अपना काम परफेक्ट है, ओके फर्स्ट क्लास चढ़ेगा। लेकिन अगर नीचे रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी चालू बट वो जो प्रेशर है वो परफेक्ट रहता नहीं दोस्तों। ओके तो देखिए अब फिर कहाँ चुका दोस्तों, ये देखिए 3 पे चला गया है। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, फिर खोल के इसको सेट करेंगे और प्रॉपर अपने जगह पे ही लाकर इसको हम सही करके आपको दिखाएंगे। ओके मेरे दोस्तों, और एक चीज़ का ध्यान देना कि जब गाड़ी में आप पाइप लगाओगे और चाबी जब बंदे को बोलोगे ऑन कर, तो वो कांटा दोस्तों आप देखोगे कि 2 पे चला गया, 3 पे चला गया, तो जैसे उसको आप जब टाइट करोगे ना तो प्रेशर आगे जाएगा, बट जब आप खोलोगे तो नीचे नहीं आएगा। तो 2-3 आटा खोलना, उसके बाद पाइप को निकालना, फिर पाइप को स्मेल लगाना, चाबी ऑन करने बोलना, देखना कांटा कितना नीचे आया, उसके बाद फिर 2 आटा खोलना, फिर पाइप को अलग करना, फिर गाड़ी में पाइप लगाना, फिर बंदे को बोलना भाई चाबी ऑन करो, फिर देखना प्रेशर कितनी पे आए। ऐसा करना कई बार, जब आपको लगेगा कि ये 2 पॉइंट के आगे जो बारीक बारीक लाइन थी वहाँ तक पहुँच गया है, समझ जाना अपना काम सही हो गया है। और दोस्तों ये घड़ी से ना आप पेट्रोल भी चेक कर सकते हैं, असल में घड़ी पेट्रोल चेक करने वाली है, बट इससे दोस्तों अपन गाड़ी की जो एयर का प्रेशर होता है उसको भी अपन चेक कर सकते हैं, परफेक्ट कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त से, और साथ में इसको हम पेट्रोल से भी चेक कर सकते हैं। और ये घड़ी ज़्यादा महंगी नहीं आती है, सिर्फ लगभग आपको अमेज़ोन पे दोस्तों 400-500 में ये दोस्तों मिल जाएगी। और अभी मैं दोस्तों आपको एक दूसरी गाड़ी का भी प्रेशर दिखाता हूँ, बट उसका क्या है ना, उसका तीसरा जो लाइन होती है ना बारीक बारीक, उसकी लगभग कुछ तीसरे से थोड़ा सा आगे, तो उतना बट दोस्तों चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 1 पॉइंट आगे पीछे चल जाता है। हाँ मेरे दोस्तों, तो दोस्तों ये एलपी का प्रेशर चेक करना पड़ता है ना, अपन घड़ी से भी चेक कर सकते हैं। और ये आपको दिख रहा है 2, ये 2 के आगे आप देखो बारीक बारीक 3 लाइन, बस इसके आगे कभी रहना नहीं चाहिए। कंपनी का जो परफेक्ट प्रेशर रहता है ना, ये 1, 2, 3, ये 3 तक रहता है। आप अगर ये 2 के आगे 2 बारीक लाइन पे छोड़ोगे तो भी चलेगा। एक बार दिखा तो इस गाड़ी कितना दिखा रहा है भाई, गाड़ी की चाबी खाली ऑन करो, ये देखिए, देखा आपको, ये लगभग नहीं बोल के ना 4 तक जा रहा है। तो इसका दोस्तों अपन क्या करेंगे ना, 1 लाइन कम करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी दोस्तों सीएनजी में स्टार्ट नहीं हो रही है। कभी परफेक्ट देखने के लिए ये 2 के आगे दिख रहा है आपको, ये वही लास्ट वाली लाइन, ये बस यहीं तक का काफ़ी है। ओके, और ये ढक्कन को खोल लेना है, खोलने के बाद ना इसको अपन खोलेंगे ना आटा, नीचे खोलने पे क्या होता है प्रेशर कम होता है और टाइट करने पे प्रेशर ज़्यादा होता है, तो सिर्फ इसको एक ही आटा खोलना, ज़्यादा खोलना नहीं है, और फिर जाके चेक करना आगे से। अभी आप देखोगे ना दोस्तों ये गाड़ी फर्स्ट क्लास चालू हो गई है, अब ये गाड़ी जा रही है। इस गाड़ी का दोस्तों जो प्रेशर था ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लगभग 3 तक जा रहा था, बट हमने इसको सेट कर दिए, काफ़ी फर्स्ट क्लास हो गया है, अब ये गाड़ी चलने जा रही है। ओके दोस्तों बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक दोस्तों जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करिए। एक शॉर्ट में दोस्तों एल पर एक नई वीडियो फिर आएगी।